नमस्कार, मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोग स्वस्थ हैं एंड मानसून वेदर को एंजॉय कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि अबाकस क्लासेस स्कूल में स्टार्ट हो चुकी हैं। उस अबाकस से रिलेटेड आज एक वीडियो आपको शेयर कर रहे हैं। रेगुलरली अगर बच्चे प्रैक्टिस करेंगे उसके अनुसार बहुत सारी छोटी छोटी हैं जो सावधानियाँ रखनी हैं, परफेक्ट जो फिंगर्स यूज़ करनी है, वो सारा वीडियो हम शेयर कर रहे हैं। उसके थ्रू बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड बिलीव मी पेरेंट्स, रेगुलर अगर आप इसका जैसी प्रैक्टिस बताई जा रही है और जो कोर्स कराया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस अगर आप करवाएंगे बच्चे को तो अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। शीट्स रेगुलरली जब जब उनका टाइम टेबल में पीरियड होता है उसके अकॉर्डिंग शीट्स शेयर की जाएगी। उसके अनुसार आपको उनको कॉल आउट कराना है। लिसनिंग उनकी बहुत पावरफुल हो जाएगी, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा एंड मेमोरी भी स्ट्रांग होगी। तो ये सारी चीज़ें का अच्छा डिजायर्ड रिजल्ट पाने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस कराना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं क्या सावधानी आप उनके घर में ले सकते हैं जब वो अबाकस से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको उनको लिसनिंग प्रैक्टिस किस तरह से करानी है। लोअर बीट कहा जाता है, इनको अपर बीट कहा जाता है। ये हाउस है, मतलब रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 10, मतलब 1s की रॉड है, ये 10s की रॉड है, ये 100 की रॉड है। ये लोअर बीट का वैल्यू है 1, मतलब अब जब इसको हम बार से टच करेंगे तो इसको हम काउंट करते हैं। नाउ आंसर इज 4। अब जब हम इसको ऐड करते हैं तो थंब को यूज़ करना है, 1 1 1 1, ये थंब को यूज़ किया है। जब इसको हम माइनस कर रहे हैं तो वी यूज़ इंडेक्स, इंडेक्स से हमको इसको माइनस करना है। जब बार से दूर हो जाता है तब इसका आंसर हम काउंट करेंगे 0। जब बार से टच होता है तो हम उसको काउंट करते हैं आंसर, बार से दूर हो जाता है तो माइनस है। दिस इज़ अपर बिट, इसका वैल्यू है 5 एंड ये दिस इज़ बिग फिंगर, इसको हम यूसी मास में बिग फिंगर कॉल करते हैं। तो इस बिग फिंगर को हम यहाँ पर टच करेंगे, देन वी काउंट इट 5, ये 5 हो गया। इसको माइनस भी इसी फिंगर से किया जाता है। तो 5 5 एंड 1 6 7 8 एंड ये 9 हो गया। जब इनको, क्योंकि हम प्लस इससे कर रहे हैं एंड जब माइनस कर रहे हैं तो वी यूज़ दिस फिंगर, जब नीचे की बीट को हम माइनस कर रहे हैं तो वी यूज़ दिस फिंगर। तो जब इन दोनों को इकट्ठा माइनस करना है तो हम सीज़र यूज़ करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड सीज़र। एंड जब इनको प्लस करना है तो क्योंकि ऊपर के लिए हम ये फिंगर यूज़ कर रहे हैं, नीचे के लिए ये फिंगर थंब यूज़ कर रहे हैं, तो इन दोनों को ऑल टुगेदर जब करते हैं तब ये होता है पिंच, पिंच प्लस एंड ये माइनस सीज़र। दिस इज़ अबाउट 1s रॉड। जब इनको करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप देंगे तो एक तो ये जो क्लियर कर रहे हैं अबाकस शुड बी क्लियर, और उसके बाद जब बच्चे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं शॉर्ट क्लियर कर रहे हैं तो अबाकस यहाँ से राइट टू लेफ्ट ये क्लियर होगा। पूरा अबाकस बार बार नहीं करना है, छोटी छोटी बातों का बहुत सारा सिग्निफिकेंस है। जब बच्चा अबाकस पे प्रैक्टिस कर रहा है तो ध्यान रहें ये टेबल से, टेबल की 1 से 4 फिंगर दूर अबाकस को रखना है। प्रॉपर टेबल और चेयर के ऊपर बैठ के ही अबाकस को करें। एंड जो आपको जैसे कॉल आउट करना है, किस तरह कॉल आउट करना है, आई विल कॉल आउट, उस तरह आप कॉल आउट करेंगे। 2 प्लस के लिए कोई साइन बोलने की ज़रूरत नहीं है, 2 2 -1 + 5 दैट इज़ 8। तो इस तरह आप उनको घर में प्रैक्टिस करा सकते हैं। जो शीट्स आपको दी जा रही है उनके आंसर भी उसमें लिखे हुए। एक इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली कि पेंसिल हमेशा हाथ में होल्ड रखेंगे जब भी हम सम्स को सॉल्व कर रहे हैं, एंड अबाकस जो है हमेशा सम के नीचे आएगा। सपोज़ ये वाला सम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे अबाकस रहेगा और वो मूव होता जाएगा एंड हमेशा बिलो द सम रहेगा, और आंसर जो लिखेंगे अबाकस के ऊपर से ही लिखेंगे। अब ये जो हो गया है दिस इज़ अबाउट 1s रॉड। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे बताया था कि आपको प्लस के लिए कोई साइन नहीं बोलना है, बट जब साइन चेंज हो रहा है लाइक 4 -2 + 2 इस तरह से बोलेंगे तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होते हैं। अब ये दिस इज़ अबाउट 1s रॉड। अब 10 कहाँ है, दे तो 9 तक ही हुआ, 10 कहाँ है, तो 10 इस रॉड पे है। तो 10 में अगर हम 1 बिट को करेंगे इसका वैल्यू है
ये क्योंकि 10 की पीरियड है 10, ये 20, 30, 40, माइनस 10, आंसर इज 0। अगेन सेम फिंगर लेफ्ट हैंड की, लेफ्ट हैंड रॉड के लिए ये प्लस 50, ये माइनस 50, एंड ये सेम सीजर यूज़ करेंगे इसी तरह से, माइनस के लिए ये पिंच और ये माइनस के लिए सीजर, प्लस 9, माइनस के लिए सीजर। एक और ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो लोग लेफ्टी होते हैं बच्चे, वो इस तरह से पेंसिल पकड़ते हैं, जब अबाकस के ऊपर सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो लोग हमेशा पेंसिल हाथ में यहाँ पे लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। जो लेफ्टी हैं उनकी हमेशा पेंसिल लेफ्ट हैंड में ही रहेगी और वो इसी को होल्ड करते हुए और पूरा वर्कआउट इसी से करेंगे। राइट हैंड के लिए राइट रॉड, लेफ्ट हैंड के लिए लेफ्ट रॉड। दैट्स इट।